क्या हुआ अब्दुल रहमान, इतना खांस क्यों रहे हो? लगता है कोरोना वायरस हो गया है मुझे। पता नहीं जिंदा बचूंगा भी या नहीं, पता नहीं क्या होगा मेरा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ऐसी बातें नहीं करते हैं। और क्या कहूँ यार अब्दुल्ला, सुना है जिसको भी कोरोना वायरस लग रहा है वो जिंदा नहीं बच रहा है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अल्लाह पर यकीन रखो, कुछ नहीं होगा। उस अल्लाह पर जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया, यानी आग जैसी ख़तरनाक चीज़ उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। उस अल्लाह पर यकीन रखो जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना दिया, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रखा। उस अल्लाह पर यकीन रखो अब्दुल रहमान, और इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, सब्र करो। मुसलमान का काम मुसीबत के वक्त सब्र करना होता है, ना कि परेशान होना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 156, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने इस आयत में ईमान वालों की एक पहचान बताई कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसकी ही तरफ हम पलट कर जाने वाले हैं। ईमान वाले इस तरह की बात नहीं करते कि हाय अब मेरा क्या होगा। समझे अब्दुल रहमान? हाँ सही कहा तुमने, ये तो वाकई बहुत गौर करने वाली बात है। लेकिन फिर आज का मुसलमान कोरोना वायरस को लेकर इतना परेशान क्यों है? क्योंकि आज के मुसलमान का ईमान बहुत कमजोर हो गया है। हर चीज से आज मुसलमान डरने लगा है सिवाय अल्लाह के। अगर इस बात पर हमारा ईमान मजबूत होता कि कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो हम इतना नहीं डरते। इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम, यानी अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई भी चीज़ गालिब नहीं आ सकती, यानी तुम्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन एक बात याद रखना कि अल्लाह की मदद आती है ईमान की बुनियाद पर। सो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत बनाएं, हर मामले में अल्लाह के पाबंद बन जाएं। फिर देखना ये कोरोना वायरस जैसी छोटी छोटी चीज़ों का डर हमारे दिलों से कैसे निकल जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर अब्दुल्ला, वाकई तुमने बहुत अच्छी तरह मेरे दिल से इस कोरोना वायरस का डर निकाल दिया। शायद इसी वजह से लोग तुम्हें जीनियस कहते हैं।